हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करते हैं क्लास तीसरी की वर्कशीट। सप्ताह है दूसरा, विषय है गणित, उप विषय है आकार और समरूपता। तो बच्चों देखिए, समान भाग में बांटना और आकार के बारे में हम यहाँ देखेंगे। नीचे दी गई आकृतियों में से दो सममित बराबर भागों में बांटी जा सकने वाली आकृतियों पर गोला लगाएं। तो बच्चों बराबर भागों में हम किस किस को बांट सकते हैं? मधुमक्खी को बिल्कुल, केतली को नहीं, छत्ते को नहीं, और तितली को हाँ। तो हमारा क और ग हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न आकृतियों को रेखा द्वारा एक जैसे बराबर भागों में बांटो। तो हम इसे बराबर भागों में ऐसे बांट सकते हैं, इन्हें ऐसे और इन्हें ऐसे, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, प्रश्न तीन है, बिंदु वाली रेखा पर आईना रखने पर कौन सी आकृति ऐसी दिखेगी जैसा नीचे दिखाया गया है, उस पर गोला लगाओ। तो देखिए बच्चों, हम अगर सी को शीशे में देखेंगे तो उल्टा दिखेगा, तो ये हमारा सही है। क्यू हमारा गलत है, एरो हमारा गलत है, और ये भी हमारा गलत है। प्रश्न नंबर चार, निम्न आकृतियों के आधे हिस्से को देखकर पूरा करें। तो बच्चों आधा हिस्सा हमें दिया गया है, आधा हिस्सा हमें इन्हें देख के पूरा करना है, ठीक है। इस तरह से हम इसे पूरा करेंगे। यहाँ हम बनाएंगे तितली, ठीक है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगला है हमारी आकृति, ये जो दी गई है, इस तरह से इसे हम पूरा करेंगे। ठीक है, आया सभी को समझ में कि किस तरह से हमें ये आकृति पूरी करनी है? तो बच्चों देखिए, आप सभी ध्यान से देखिएगा और इसको कंप्लीट करिएगा। अगली है हमारी जीवन कौशल, बिल बनाना। बच्चों बिल कैसे बनाया जाता है यहाँ हम देखेंगे। आपने एक स्वयं सेवा की दुकान का दौरा किया, स्टोर में विभिन्न चीज़ों की दरें नीचे दी गई हैं। वस्तु देखिए बच्चों, यह हमें वस्तुएँ दी गई हैं। प्रत्येक दर दिया गया है कि प्रत्येक वस्तु की क्या कीमत है। बॉल है हमारी 15 रुपये की, एक कॉपी है हमारी 25 रुपये की, केला है 3.5 रुपये का, टॉफ़ी है 50 पैसे की, और पेन है 10 रुपये का। आपने 4 पेन, 6 टॉफ़ी, 2 बॉल और 4 केले खरीदे। अब आप नीचे दिए गए प्रारूप में खरीदी गई चीज़ों के लिए एक रसीद बनाएं। तो चलिए बच्चों हम यहाँ बनाते हैं। पेन खरीदे हमने 4, टॉफ़ी खरीदी हमने 6, बॉल खरीदी हमने 2, और केले खरीदे हमने 4, ठीक है। पेन कितने का है बच्चों? 10 रुपये का, तो हुए हमारे 40 रुपये। टॉफ़ी है बच्चों 50 पैसे की, 6 खरीदी 3 रुपये। बॉल है हमारी 15 रुपये की, 2 खरीदी 30 रुपये, और केले हैं हमारे 3.5 रुपये का एक, तो 4 केले खरीदे कितने हो गए? 14 रुपये। तो टोटल बच्चों हमें कितने रुपए देने पड़े हैं उसको दिए हमने 87 रुपये उनको कुल देने पड़े, ठीक है। सभी को समझ में आया? तो बच्चों देखिए, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए कि किस तरह हमें बराबर भागों में बांटा जाना चाहिए, चीज़ों को कैसे पता लगाएंगे। अब देखिए बच्चों, मैं छत्ते का बताती हूँ। छत्ते में यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके ये डंडी इधर आ गई ज़्यादा, तो ये ज़्यादा भाग हो गया। इसी तरह केतली यहाँ तक ठीक है, लेकिन इधर वाले हिस्से में ये ज़्यादा आ गई, तो ये ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा
सही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस 8 को हम इस तरह भी बांट सकते हैं और इस तरह भी इसको बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। आया सभी को समझ में? तो बच्चों वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद बच्चों।